रोना आ रहा था, घबराहट हो रही, मैं जो इतने टाइम से झेल रही थी, काश ऐसी चीजें है ये कि सामने वाला आपको समझेगा भी नहीं, हुआ तो कभी भी किसी भी जगह कहीं पे भी आप अल्लाह से कर सकते। ये देखिए फ्रेंड, इसकी स्टफिंग देखिए कितनी अच्छी हुई है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, मॉर्निंग क्लास चल रहा है और अभी 10:30 प्लस हो रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ शाम को नाश्ता देने के लिए, क्योंकि पढ़ाने के बीच बीच में ही ना मतलब नाश्ता का टाइम हो जाता है, और एक मॉर्निंग से सुबह 7 बजे से वो कंटिन्यू नॉन स्टॉप पढ़ाते हैं, तो बच्चों के पीछे बोलते बोलते, क्योंकि बच्चों को सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, एक्सप्लेन करनी पड़ती है सारी चीज़ें, तो लेक्चर टाइप का देना पड़ता है, तो फिर वो उनको बोलते बोलते ऐसे भी एक नाइट के, और आप लोगों को पता है डिनर भी वो मतलब टाइम से ही कर लेते हैं, 7:30 से 8 के करीब कर लेते हैं, और पूरी नाइट फिर भूखे रहते हैं, अब सुबह से फिर पढ़ाने का शुरू हो जाता है तो उनको ना भूख लग जाती है, तो हालांकि वो बोलते नहीं है, लेकिन मैं खुद से मुझे एक अंदाजा हो गया कि हाँ इतना देर हो गया, अब उनको ना भूख लगी होगी, तो मैं ना खुद से नाश्ता वगैरह दे देती हूँ उनको। तो जैसा कि मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ कि अभी सुबह में ना उनका ज्यादातर मैं ये ब्लैक चने, उसके साथ थोड़ा सा गुड़ और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करके उनको देती हूँ, जिसमें आज हमने किशमिश भी, कल नाइट में ही शाम को हमने कहा था कि किशमिश देने के लेकर के आने के लिए, क्योंकि चने के साथ ना किशमिश खाने से बहुत ज्यादा ताकत आती है, तो इसीलिए मैंने मंगवा लिया था। तो शाम को ये नाश्ता दे रही हूँ, इसके साथ थोड़े से ना काजू और थोड़े से आलमंड्स भी ऐड कर दूंगी। अच्छा हाँ फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग जो हमारा गया है, उसमें आप लोगों ने, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारी यूट्यूब पेमेंट वगैरह को लेकर के आप लोग खुशी होंगे कि मैंने उसके कमाई से ये सब चीज़ें ली, और आप लोग सच में इतने ज़्यादा खुश हैं, जैसे कि ये सारी खुशी ना आप मुझे नहीं, आप लोगों को ही मिल गई होगी, तो मेरी जो उम्मीद थी, ऐसे भी मुझे ना आप लोगों पर ये उम्मीद थी कि आप लोग सच में मेरी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और इतने सारे कॉमेंट्स आए फ्रेंड्स, इतना आप लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेट्स किया है कि मैं क्या ही बताऊँ, कमेंट देख करके जो ना मेरा एकदम मन खुश हो गया, दिल क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, गदगद, हाँ वो चीज़ हो गया, मुझे सच में ना बहुत अच्छा लगा। सो मैं आपको ना मतलब ऐसे तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपनी खुशी, और बोल भी नहीं सकती, तो मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि दिल से ना आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम को ना मैं दे चुकी हूँ नाश्ता, उसके बाद मैं यहाँ पे लग चुकी हूँ ना सब्जी बनाने के लिए, यानी लंच के लिए, उस तरफ हमने राइस भी चढ़ा दी है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे कमेंट तो आए हैं फ्रेंड्स, और उसमें ना सबसे कई लोगों ने ये भी मुझसे पूछा कि है ना मैंने जो एयरिंग वगैरह लिए पायल, वो कितने के हुए हैं, तो 5,000 के करीब में दोनों चीज़ें हमारी आ गई थी, क्योंकि मैंने जो गोल्ड का भी लिया था, क्योंकि ऊपर टॉप्स में पहनना था डिस्को में, तो एकदम छोटा हमने लिया था, तो इसलिए कम प्राइस में वो भी आ गया, और पायल भी आपने देखा मैंने चेन टाइप का ही हमने पसंद किया था, तो वो भी सब 5,000 के अंडर में आ गया है। और रही YouTube पेमेंट की बात, जो सबसे ज्यादा आप लोगों ने पूछी है, तो एक कमेंट भी आया था जो कि गुलशन ने किया था, उन्होंने कहा था कि दी आपको एक बात बोलूं, बुरा ना मानना, मैंने सुना है कि YouTube की पेमेंट के बारे में जो है ना मतलब क्लियर नहीं बताया जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ YouTube से प्रॉब्लम हो जाता है। तो डियर, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। आप बड़े से बड़े यूट्यूबर को देख लो, कोई भी, अगर आप जितना भी पूछ लो, यूट्यूब पेमेंट नहीं बताया जाता है, क्योंकि ये यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशन होती है बहुत सारी चीज़ों की, उसको आपको फॉलो किया जाता है नहीं, तो इसीलिए मैं वो चीज़ तो आपको नहीं बता सकती, बट हाँ इतना बता सकती हूँ फ्रेंड्स कि देखिए फर्स्ट पेमेंट मेरी इतनी आई थी कि हाँ हमने घर का किराया मतलब पेपर बनाने के लिए पैसे दे दिए थे, और दूसरी बस नॉर्मली आई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे आपको एक चीज़ बताऊं कि आप लोग जितना देखते हैं, जिस हिसाब से मुझे प्यार देते हैं, तो उस हिसाब से ही अर्निंग हमारी होती है, और जिस महीने नहीं आप लोग प्यार देते, धीरे धीरे करके होती है, तो महीनों का महीना नहीं भी होता है, वो जैसे आप एक चीज़ मान ऐसे लगाएं कि आप देख सकते हैं कि जैसे एक दुकान है, उसमें जितनी चीज़ें बिकी उतना आपने अर्निंग किया, नहीं तो बस ऐसे ही दुकानदार बैठ के रहते हैं। तो बस हमारी भी यूट्यूब की मेहनत है, हमें ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है, मैं हमारे पास जो भी रहता है उसको बना करके डालती हूँ, कभी कोई कंटेंट आप लोग को पसंद आता है, कोई नहीं भी आता है, तो मेरी मजबूरी रहती है कि फ्रेंड्स मैं कंटेंट, बहुत लोग होते हैं कि व्यूज के लिए कंटेंट बना बना के बाहर निकलते हैं, चीजों को क्रिएट करते हैं, लेकिन मेरा डेली ब्लॉग है, उसके अलावा डेली ब्लॉग में भी लोग क्रिएट करते हैं, आपको ये शॉपिंग वो शॉपिंग यहां जाना वहां जाना दिखाते हैं, खर्च करते हैं कि ताकि कंटेंट अच्छा बने, ब्लॉग अच्छा बने, लोगों को पसंद आए, लेकिन मैं उस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं रोजाना के इतने इतने पैसे खर्च करके ये शॉपिंग करूं वो करूं और यहां जाऊं वहां जाऊं, मेरा जो घर के अंदर ही जो भी चीजें रहती है ना फ्रेंड्स, मैं बस वही बनाती हूँ, दिखाती हूँ, उसमें से जितने लोगों को जो पसंद आता है उतने हिसाब से आप लोग प्यार देते हैं। ये नंबर अच्छा नहीं है, 14 नंबर से कम आए तो बहुत पिटाई कर देंगे। ये राइटिंग है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, प्राइवेट क्यों नहीं किया था, हिस्ट्री में भी क्या, किस नंबर का क्वेश्चन है, फाइव का बी और मेक फाइव और बाकी सब
क्या लिखा, डिजाइन क्या है ये, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ सब्सटेंस एंड देयर, देख रहे हो साइंस का स्पेलिंग, साइंस यहाँ पे सिंस होगी है ट्रांसफॉर्मेशन। तो बस कुल मिला के फ्रेंड्स इतना ही कहना चाहूंगी कि बस जब जो जितना अल्लाह को देना होता है उतना ही होता है, मेहनत आप करते जाएं, मेहनत करना हम लोगों का काम है, बाकी कितना अल्लाह पाक किस जरिए कब और कैसे रिस्क आपको लिखे हुए हैं उतना ही देंगे। कभी कभी हम बहुत मेहनत करके भी जीरो पे रह जाते हैं और थोड़ी सी एक कदम बढ़ाने से हम लाखों कमा लेते, तो वो तो सब आपके नसीब में जितनी रोजी रोटी लिखी होती है उतना ही आता है, बस अल्लाह पे यकीन करके हम लोगों को मेहनत करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब मुझे भी लग रही है भूख, मेरा ना पहले से प्लानिंग नहीं था नाश्ता वगैरह करने का, तो मुझे लगने लगी अचानक से भूख, तो मैं फिर से आज प्याज के पराठे बना रही हूँ क्योंकि आज शाम को भी प्याज का पराठा खाना है, और अचानक से मतलब मैं अपने लिए बनाने जा रही थी तो शाम को मैंने पूछा कि आप खाएंगे प्याज के पराठे, तो वो रेडी हुए कि हाँ मैं भी खाऊंगा, तो मैं सोची कि उनके लिए अपने लिए प्याज का भी पराठा बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे। और हाँ, एक और कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि मैंने जो जिक्र किया था रेंट का कि रेंट पेपर बनवाने के पैसे देने पड़े, तो उन्होंने कहा था कि पेपर बनवाने के पैसे क्यों, तो कोलकाता में ना जो लोग रहते हैं जो यहाँ से हैं मुझे देख रहे हैं वो सब जानते होंगे कोलकाता में यही सिस्टम है, अगर आप 11 महीने का किराया दे रहे हैं एक साथ दे रहे हैं तो 11 महीने का पैसा आपको जोड़ करके देना होगा, नहीं तो फिर आपको हर महीने महीने पे करना है किराया, और आपको एडवांस जिस दिन आपका पेपर बनेगा उस दिन आपका जितना का किराया का रूम है उस हिसाब से 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 मतलब जितना का महंगा आप रूम ले रहे हैं उस हिसाब से आपका बनता है। और ये कोई जरूरी, जैसे मेरा कम है मतलब सस्ता रूम हमने लिया है तो सस्ता बनता है, जितना महंगा फ्लैट लेंगे उस हिसाब से आपका एडवांस जाएगा, और नहीं तो 11 महीने का एक साथ पैसा जुड़ के हर महीने का जुड़ के जितना हो रहा है दीदी का पराठा, तो यहाँ कुछ इसी सिस्टम से चलता है फ्रेंड्स। तो ले ये ले जाकर देती हूँ शाम को और इसकी करवाती हूँ टेस्टिंग, पहले आप खाइए और बताइए, खाइए और बताइए, नहीं अच्छा लगा पहले भी, कैसा टेस्ट कैसा आ रहा है, अंदर में क्या है खोल के देखिए, आप गेस कीजिए किस चीज का ये पराठा है, आज आप गेस कर लीजिएगा तो मैं आपको 50 रुपीज दूंगी, कायू का कायू पिस्ता दो, 50 रुपीज दो, 50 रुपीज नहीं, पिस्ता बादाम तो है, पिस्ता बादाम ना, आप हार गए, पीनट और गुड़ का पराठा यानी मूंगफली और गुड़ का, पीनट था थोड़ा सा मैं बचाई गई थी ना, अच्छा अच्छा लगा आपको, इसकी स्टफिंग देखिए कितनी अच्छी हुई है। अभी 1:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स और मैं अभी दवाई खाई हूँ अपनी, और भूख मुझे अभी तक नहीं लगी है फ्रेंड्स, उसका रीजन ये है कि मैंने जो पराठा खा लिया कल भी ऐसी की थी फ्रेंड्स, कल भी प्याज के पराठे जो मैं बनाई थी अपने ब्लॉग में देखा था लास्ट ब्लॉग जो हमारा गया, तो मैं पता दिन भर खाना नहीं खाई थी, रात में 9 बजे करीब जाकर के मुझे भूख लगी तो फिर मैंने रोटी और सब्जी खाई थी। और अभी फ्रेंड्स 1:30 बज रहे हैं और सैम गए हुए हैं नीचे, पता नहीं कितनी देर में वो आएंगे, तो ब्लॉग काफी हो ही चुका, मैं सोची अब बच्चे भी 2 बजे से पढ़ने आ जाएंगे, 1:45 से ही आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अब हम लोग थोड़ा टाइमिंग चेंज कर रहे हैं बच्चों का और बैक कर रहे हैं पीछे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से आप लोगों की दुआ से बढ़ रहे हैं इसलिए तो टाइमिंग चेंज करना पड़ रहा है तो अब और मेरे पास टाइम पहले से बहुत ज्यादा कम हो गया फ्रेंड्स। तो हाँ, एक कमेंट आया था जो कि कबीर खान आईडी से, उन्होंने पूछा था कि लास्ट टाइम जो हमने बताया था अपने हेल्थ इश्यू के बारे में, तो उन्होंने पूछा था कि नगमा जब आप मेडिसिन ले रही हैं तो आप बताइए कि आपकी तबीयत अब कैसी है, आपको जो गुस्सा आ रहा था बार बार रोना आ रहा था घबराहट हो रही थी ये सब चीजें जो हो रही थी, तो अब मेडिसिन लेने से आपका कैसा है, क्योंकि सेम चीज मुझे भी हो रही, तो डियर मैं आपको बता दूं बहुत बहुत ज्यादा आराम है, कुछ हुआ नहीं, वो जो मुझे इतनी ज्यादा एंजाइटी होती थी फ्रेंड्स इतना ज्यादा उसमें आराम है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब कुछ हफ्ते पहले जो मैं फील कर रही थी ना वैसा तो अब बिल्कुल भी नहीं है, आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉगिंग भी अच्छे से जा रहा है, हाँ अगर किसी दिन मैं नहीं करती हूँ तो वो रीजन से अब नहीं करती हूँ, टाइम वगैरह थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता इस वजह से नहीं करती हूँ, या कभी ब्लॉग बन गया और डालने का टाइम नहीं मिला, एडिटिंग का टाइम नहीं मिला, वॉइस ओवर का अपलोडिंग का टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से ब्लॉग तो बना हुआ रहता है फ्रेंड्स बट ब्लॉग ना रुक जाता है इस वजह से जाता है, और रही वो एकदम रोना घबराहट हर टाइम चिड़चिड़ापन छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा आपको बॉदर जो कर देती है वो वाली चीजें जो मेरे साथ हो रही थी, तो वो सारी चीजें फ्रेंड्स सच में बहुत ज्यादा आराम है, तो इन सब चीजों से मुझे
मुझे एक चीज समझ में आया फ्रेंड्स कि मैं जो इतने टाइम से झेल रही थी, काश अगर मैं यही चीज पहले मतलब सैम से जिद करके फोकस करके उनको कन्विंस करके लेके चली जाती और यही चीज सैम को मैं ज्यादा दिखाती, क्योंकि ये सब चीजें जो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था फ्रेंड्स कि ये सब चीजें जो मेरे साथ हो रही थी ना वो मैं सैम को नहीं बोलती थी। मैं अकेले में चुपके चुपके अपना ये सारा चीज हैंडल कर रही थी, रोती थी, घबराती थी और मेरे साथ जो हो रहा था ना वो मैं सैम को नहीं बोल रही थी कि हाँ मुझे इस तरह से फील हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता था कि उनको बोलूंगी पता नहीं वो समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, क्या बोलूं कैसे बोलूं, कहीं उसका वो कुछ गलत मतलब तो न ले ले, मतलब इसलिए ना मैं डर के उनको बोल भी नहीं पाती थी। और अगर ये सब सारी चीजें बोलती तो शायद वो पहले ले जाते और मैं पहले ठीक हो जाती, लेकिन हाँ अब इन सब चीजों से मैं बहुत ज्यादा ठीक हूं। और आपको एक चीज बोलूंगी फ्रेंड्स के डियर आप जो ये चीज बोली तो आप भी ना अगर ये चीज आपके साथ हो रही ना तो आप प्लीज जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करें इस बारे में और डॉक्टर आपको आगे जैसा जो भी सजेस्ट कर रहे हो उसको कंटिन्यू करें आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इससे ना पता है हमारा हेल्थ और हमारा लाइफस्टाइल दोनों बिगड़ जाता, दोनों खराब हो जाता, मतलब हम अपने घर में ही खुश नहीं रह पाते इन सब चीजों की वजह से। प्रॉब्लम कहीं नहीं होती है, प्रॉब्लम बस वही होता है कि आपके अंदर से प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आपको बाहर इतना क्लियर लगेगा दिखेगा कि ऐसी चीजें है ये कि सामने वाला आपको समझेगा भी नहीं और आपको लगेगा कि आप कहीं किसी अलग ही जोन में दुनिया में चले जा रहे हो। तो मैं कहूंगी कि डियर अगर आपके साथ सेम प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से प्लीज प्लीज कंसल्ट करें। अगर आप यहां कहीं से हैं तो जो वो डॉक्टर का अगर आप बोलेंगी तो मैं एड्रेस भी दे दूंगी, बहुत अच्छा उनका दवा मुझे इतना जल्दी शूट किया ना और कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और किसी अलग सिटी से है तो भी वहां के किसी अच्छे डॉक्टर से आप जरूर दिखाएं। अच्छा मैं ब्लॉग का एंड अप करूंगी फ्रेंड्स, उससे पहले ना मैं एक कॉमेंट लूंगी जो कि काफी है शेख ने किया है, उन्होंने कहा है कि उनके बेटे का नाम हसनैन है जो कि बहुत ज्यादा बीमार है, तो वो ना बहुत प्यार से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप भी दुआ करें मेरे बेटे के लिए और आप अपने यूट्यूब जो सब्सक्राइबर है आपके उनसे बोलें कि वो दुआ करें तो मेरा बेटा अल्लाह दुआ सुने और जल्दी ठीक है, जो भी उनके कहने का मतलब है। तो मैं तो करूंगी, आपने कल बोला कल से ही मैंने किया, उसी टाइम मैंने नियत कर ली थी फ्रेंड्स, मतलब होता है ना कि दुआ करना क्या कोई ऐसा तो पोजिशन नहीं कि आप यहां जाओ नमाज बचाओ, ऐसे नहीं, दुआ तो कभी भी किसी भी जगह कहीं पर भी आप अल्लाह से कर सकते हो। तो बस आपको मैं जो लोग आप लोग मुझे देख रहे हैं तो प्लीज उनके बेटे का नाम तो आपको पता चल ही गया, क्या प्रॉब्लम है क्या हेल्थ इश्यू है उस बच्चे के साथ मुझे तो नहीं पता, बट हाँ बहुत ज्यादा बीमार है। तो जो भी प्रॉब्लम हो हम लोग सब मिलकर दुआ करें कि उस बच्चे को ना अल्लाह पाक जो भी दवा वगैरह उसका चल रहा है उसमें जल्दी शिफा दे और वो बच्चा तंदुरुस्त सेहतमंद उठ खड़ा हो। तो बस डियर और आपको बोलूंगी आप बिल्कुल मत घबराना, अल्लाह पे भरोसा रखना, इंशाल्लाह आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करूंगी और आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग को ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करें। अगर आप लोग जो लोग भी जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर वो तो देख ही रहे, जो नए हैं तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी मैं पसंद आऊं, मेरी चीजें पसंद आ रही है, मैं जो शेयर करती हूं अपनी जो भी मेरी डेली रूटीन रहती है जो है जैसे है बस मैं शेयर कर देती हूं, तो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।